अब हम देखते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के रूप में अरेंज करना, यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमने जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर की तरफ नंबर्स को अरेंज कर दिया, तो वो नंबर का ऑर्डर होगा वो क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसके अंदर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की ओर अरेंज करेंगे, यानी घटते हुए क्रम में हम बोल सकते हैं कि नंबर्स को अरेंज करना क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो हम दो एग्जांपल्स के थ्रू क्या करते हैं, नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट द नंबर्स बी, हमारे पास ये चार नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के उसको सबसे पहले देखें तो हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करना। तो यहां इन चारों नंबर में से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे पता करें, तो इसके लिए अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के लेक्चर नहीं देखे तो वो पूरे जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां पे नंबर्स को कंपेयर करना सीख लिया है, कंपेयर करना सीख लिया है, इसका मतलब है कि हमें यह पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो, यहां चार नंबर्स दिए हुए, आप एक चीज नोटिस करोगे कि इन चारों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, मतलब इसमें दो डिजिट्स है, इसमें पांच डिजिट्स है, इसमें तीन डिजिट्स है, इसमें चार डिजिट्स है। तो इससे तो और भी ज्यादा आसान हो गया कि जो नंबर क्या होगा, जिसमें सबसे कम डिजिट है वो नंबर सबसे छोटा, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है वो नंबर सबसे बड़ा। तो यहां क्या होगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो दो डिजिट वाला नंबर सबसे पहले आ गया, उसके बाद में ये जो साइन है, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इससे अगला वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, तीन डिजिट वाला नंबर आएगा, यानी कि 1070 ये उससे बड़ा होगा। उसके बाद में 1732 ये वाला नंबर आएगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा 24516। तो ये जो नंबर्स को हमने अरेंज किया, ये कौन सा ऑर्डर हमने अरेंज कर, मैं कौन से ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद में हम इन्हीं नंबर्स को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है वो नंबर क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि 24516 सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा नंबर, तो यहाँ पे साइन ध्यान रखना कि साइन क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा होगा, 1732। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा होगा, 170, और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा, 18, यानी 18 हमारा सबसे छोटा नंबर होने वाला है। तो ये हमने इन चारों नंबर्स को क्या कर लिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इसके बाद में एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हमने कोशिश की है कि इन चारों डिजिट्स को क्या किया है, सेम ले, मतलब चारों नंबर्स में सेम डिजिट लेने की कोशिश की है, चारों में चार चार डिजिट्स यूज हुए हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया कि इनको कैसे कंपेयर किया जाता है। तो इनको कंपेयर करने का क्या तरीका होता है, कि इनके जो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट आता है इनको हम कंपेयर कर लें, तो इसमें जो हाईएस्ट प्लेस पे जिसका है सबसे बड़ा डिजिट होगा वो नंबर भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा पहले आएगा, तो ये नंबर क्या है हमारा, सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इसके हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो सबसे छोटा है। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला नंबर आएगा 7215, उसके बाद में क्या आएगा 8512, उसके बाद में क्या आएगा 9801। तो ये क्या किया है, हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। उसके बाद में है डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। तो अगर आप लोगों ने एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो उसका रिवर्स कर दोगे, रिवर्स ऑर्डर लिख दोगे, तो वो हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये वाला नंबर क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा नंबर क्या होगा, 8512, फिर उससे छोटा नंबर होगा 7215, और उससे छोटा नंबर होगा 6312। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल क्या है, अरेंज द मार्क्स। एक्चुअल में यहाँ क्या है, किसी क्लास के अंदर टेस्ट हुआ था या पेपर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पांच स्टूडेंट के जो मार्क्स आए थे वो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो, राम के कितने 74 मार्क्स आए हुए हैं, अमन के 67 कितने में से है आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। मोहन के 89 मार्क्स आए, जे के 12 मार्क्स आए हैं और करण के 53 मार्क्स आए हैं। हमें क्या करना है, मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग किड्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इनके मार्क्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साथ ही हमें यह भी बताना है टेल हुज पोजिशन विल बी रिमेन द सेम इन बोथ द ऑर्डर, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा मेजर काम है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा नंबर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो 12 क्या आएगा सबसे पहले। मैं साथ में यहाँ पे इनका, इनके नाम का पहला लेटर भी यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि क्या है, या पूरा नाम ही लिख लेता हूँ कि 12 किसके आए, जे के आए। फिर उससे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 12 के बाद में क्या होगा 53, यानी सेकेंड नंबर पे कौन है, करण है। फिर उसके बाद में क्या होगा 67, यानी कि अमन का तीसरा नंबर है। उसके बाद में क्या आएगा, राम जिनके जिसके कितने नंबर है 74 नंबर किसके हैं, राम के हैं। और उसके बाद में क्या होगा, मोहन, मोहन के कितने हैं 89 मार्क्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर होगा, रिवर्स ऑर्डर होगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आए हैं वो सबसे पहले आएगा, यानी मोहन सबसे पहले आएगा। उसके बाद में उससे कम मार्क्स कितने हैं 74 राम के हैं। उसके बाद में क्या होगा 67 अमन के हैं। उसके बाद में क्या होगा 53 करण के मार्क्स आए हैं, और एक है जे जो पढ़ाई में बिल्कुल ही कमज़ोर है, उसके कितने आए हैं ओनली 12 मार्क्स आए हैं। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया कि इनके मार्क्स को क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, वो हमने कर लिया। उसके बाद में उसने क्वेश्चन पूछा है टेल हुज पोजिशन विल बी द सेम इन बोथ द ऑर्डर, हमने दो ऑर्डर लिखे। अब देखो ऑर्डर मतलब है कि पहले नंबर पे जे आ रहा है, दूसरे नंबर पे करण। अगर हम लोग क्या करें, ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ देखें, तो नीचे से पहले नंबर पे जे है, फिर उसके बाद में ये वाले ऑर्डर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके बाद में अगर ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर में देखें तो ये वाला ऑर्डर हमारे को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो तो जो अमन है, अमन की पोजिशन देखो, अगर नीचे से चलोगे ऊपर की तरफ तो भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो क्या होगा, वो भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं अमन की पोजीशन क्या हो रही है दोनों वाले केस में, इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अमन सेम रहने वाली है दोनों उसमें पोजीशन इसकी दोनों ऑर्डर के अंदर। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आज के लेक्चर का होमवर्क देखते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए ये दो हमारे होमवर्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबर्स को हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें 3-4 नंबर ही लिए थे हमने, लेकिन यहाँ पर मैंने 7-8 नंबर लिखे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 9 है, ध्यान रखना, तो ये आप ट्राई करना, नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में इनको डिस्कस करने वाले हैं। सेम यहाँ भी क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे को यहाँ इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।